हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में एक एप्लीकेशन डिजाइन करने वाला है। उस एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करने वाला है फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होगा, फॉर काउंटर इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग लिस्ट बॉक्स का यूज़ करने वाला है। तो इसको यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन डिजाइन करने वाला है। वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिखने वाला होगा, जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एंटर ए नंबर टू गेट टेबल। यहाँ पे कुछ भी नंबर हम इनपुट लेंगे तो उसका कारस्पॉन्डिंग टेबल हम लोग को ये लिस्ट बॉक्स में शो करेगा। शो बटन पे क्लिक किए तो उसका कारस्पॉन्डिंग टेबल लिस्ट बॉक्स में शो कर रहा। क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा एग्जिट हो जाएगा। तो यही एप्लीकेशन आज हम लोग डिजाइन करने वाला है और इसी के ऊपर कोड करने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या ओपन कर लेना होगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। तो वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यही से हम लोग सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड ईएक्सई। स्टैंडर्ड ईएक्सई सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद क्या है, पहले हम लोग एक लेबल लिया हुआ था तो एक लेबल हम लोग ले लेंगे पहले। तो एक लेबल ले लिए। लेबल लेने के बाद क्या था, एक लेबल का साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स था तो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हम। उसका बाद क्या था, एक लिस्ट बॉक्स था। ये है हम लोगों का लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो एक लिस्ट बॉक्स हम लोग ले लिए। देन क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स लेना हो गया। अब थोड़ा सा लिस्ट बॉक्स को अरेंज कर देंगे हम लोग तो ये अरेंज भी हो गया। हम लोगों को तीन बटन लेना होगा तो कॉमन बटन ले लेते हैं तीन। कॉमन बटन पे क्लिक किए तो एक बटन होगा शो द टेबल और एक बटन होगा क्लियर के लिए। तो पहला वाला पे क्लिक किया हम लोग। देन कैप्शन में गए, कैप्शन में जाके क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे सिर्फ टाइप करेंगे शो। मैं यही पे क्लिक करने से मेरा टेबल शो करेगा। तो इसका फॉन्ट स्टाइल हम लोग चेंज करने वाला है तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे। बोल्ड पे क्लिक करने के बाद इसका साइज इंक्रीज करेंगे, 14 कर दिए इसका साइज तो इंक्रीज हो चुका है। तो कॉपी करेंगे इसी को कॉपी करके फिर से पेस्ट करेंगे। तो ये बटन हम लोग किसके लिए करेंगे, क्लियर के लिए। तो करना क्या होगा हम लोग को, सिर्फ कैप्शन में जाएंगे, कैप्शन में जाके शो को हटाकर लिखेंगे क्लियर। देन फिर से पेस्ट करेंगे तो ये हम लोग का कॉमन बटन नंबर 3 हो गया। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, एग्जिट बटन। तो फिर से कैप्शन में जाएंगे, कैप्शन में जाके शो का ब्लैंक करेंगे हम लोग। देन यहाँ पे टाइप करेंगे एग्जिट, हो गया। देन हम लोग बॉक्स में टेक्स्ट इनपुट लेने वाले इसलिए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन प्रॉपर्टीज बार से टेक्स्ट 1 को ब्लैंक कर देंगे। देन लेबल में हम लोग का क्या लिखना होगा, लेबल में लिखना होगा एंटर ए नंबर टू गेट टेबल। तो लेबल पे क्लिक करने के बाद कैप्शन में गए हम लोग। देन टाइप करेंगे एंटर ए नंबर टू गेट टेबल, मतलब एक नंबर हम लोग इनपुट करेंगे उसी का कारस्पॉन्डिंग टेबल शो करेगा लिस्ट बॉक्स में। तो लेबल पे क्लिक किया हुआ है तो फॉन्ट पे जाके इसका फॉन्ट साइज और स्टाइल चेंज कर देंगे। फॉन्ट स्टाइल कर दिए बोल्ड, साइज भी इंक्रीज कर दिए। साइज इंक्रीज करने के बाद लिस्ट बॉक्स को थोड़ा नीचे करेंगे और लेवल को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये एक का अंदर आ गया। और टेक्स्ट बॉक्स को भी हम लोग और एक घर बड़ा करेंगे। तो एक बार रन करके देखेंगे हम लोग का डिजाइन ठीक है कि नहीं। तो रन करके देख लिए तो हम लोग का डिजाइन लगभग पूरा ठीक है। तो इसका एक बैक कलर दे देते हैं हम लोग। तो फॉर्म पे क्लिक करके हम लोग प्रॉपर्टीज बार से बैक कलर पे क्लिक करेंगे। देन पैलेट, पैलेट से एक कलर सिलेक्ट किए तो कलर भी हम लोग को सिलेक्ट हो गया। अब बैक कलर देने के बाद क्या दिखा रहा, लेबल पे हम लोगों को व्हाइट एक स्पॉट शो कर रहा है। तो लेबल पे क्लिक करके हम लोग फिर से जाएंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से ओपेक किया हुआ है तो यहाँ से हम लोग ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट कर दिए
ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, कोड करना होगा शो बटन पे, क्योंकि हम लोग शो बटन पे क्लिक करेंगे और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल हम लोग का लिस्ट वन में शो करेगा। तो शो बटन पे क्लिक किए, शो बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग पहले टाइप करेंगे डीएम इन एज इंटीजर, मतलब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं वो इंटीजर वैल्यू होगा। तो उसको पहले हम लोग इंटीजर से डिक्लेयर कर दिए एन को, देन क्या करेंगे हम लोग एन को इनपुट लेने वाला है, इसलिए क्या करेंगे एन इज इक्वल टू वैल फर्स्ट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट देन एंटर, देन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। तो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का हम लोग का सिंटेक्स क्या है, फॉर काउंटर देन इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। तो हम लोग फॉर टाइप करेंगे फॉर देन काउंटर, फॉर काउंटर इक्वल टू कहाँ तक हम लोग का ई करना है टेबल में, जो भी नंबर इनपुट लेगा हम लोग उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा, उससे 1 to 10 मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर के साथ और उसी का टेबल हम लोग शो करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे 1 to 10, ये हो गया। देन क्या करना होगा हम लोग को, लिस्ट बॉक्स के लिए कोड करना है। तो लिस्ट बॉक्स में हम लोग क्या शो करवाने वाला है, टेबल। तो कैसे हिसाब से किस फॉर्मेट में शो करवाने वाला है उसी के हिसाब से हम लोग इसका कोड करेंगे, लिस्ट वन डॉट एड आइटम्स, आइटम ऐड करेंगे हम लोग। देन क्या करेंगे आइटम किस तरह दिखेगा हम लोग का, एन एंड डबल कोटेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो नंबर इनपुट लेने वाला है उसका साथ मल्टीप्लाई दिखाएगा। देन क्या होगा एंड काउंटर, काउंटर क्या होगा मींस काउंटर यहां पे लिया हम लोग 1 to 10, तो काउंटर शो करेगा पहले एन इनटू काउंटर, देन क्या होगा एंड डबल कोटेशन के अंदर इक्वल टू, इक्वल टू के बाद क्या शो करेगा हम लोग का रिजल्ट शो करेगा मींस एन का एन इनटू काउंटर, देन क्या करेंगे नेक्स्ट तो एंटर करेंगे। एक बार रन करके हम लोग देख लेंगे कि कोड हम लोग का ठीक ठाक रन हो रहा है कि नहीं। तो 4 एंटर किए, शो पे क्लिक किए तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल हम लोग को लिस्ट वन में शो कर रहा है। तो इसके बाद क्या करना है हम लोग को, क्लियर बटन पे कोड करना है। तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या करेंगे टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन ब्लैंक देन लिस्ट क्लियर देन एंटर, देन क्या करेंगे हम लोग एग्जिट बटन के लिए कोड करेंगे। तो एग्जिट बटन पे क्या लिखेंगे, सिर्फ एंड कि एग्जिट बटन पे क्लिक करते मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो फिर से और एक बार रन करेंगे, रन करने के बाद यहाँ पे 10 एंटर किए तो शो बटन पे क्लिक किए तो 10 का कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल लिस्ट वन में शो कर रहा है। देन क्लियर बटन पे क्लिक किए तो यहाँ पे दिखा रहा है कुछ गलत किए है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट वन लिखना था हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लिस्ट वन का जगह सिर्फ लिस्ट लिख दिए थे। लिस्ट वन डॉट क्लियर, तो अब हम लोग का कोड ठीक है। तो फिर से और एक बार नंबर इनपुट लेंगे देन शो टेबल, टेबल शो कर रहा है, क्लियर में क्लिक किए तो क्लियर हो गया और एग्जिट बटन पे क्लिक किए तो एग्जिट हो गया। तो हम लोग का कोडिंग का काम, डिजाइन का काम सारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग का करना क्या है, इसको सेव करना है। तो पहले हम लोग इसको एज ए प्रोजेक्ट सेव करेंगे, कोई भी फोल्डर में इसको सेव कर लेते हैं। पहले हम लोग म्यूजिक पे इसको सेव कर दिए, पहले क्या नाम से सेव करेंगे, जी नाम से सेव कर दे रहे, तो सेव हुआ। देन हम लोग इसको एग्जीक्यूशन फाइल बनाने वाले हैं, तो एग्जीक्यूशन फाइल पे क्लिक किए देन इसको भी जी नाम से
सेव कर दिए, इसको प्रोजेक्ट के हिसाब से सेव किए, क्योंकि इसमें और अगर हम लोग कुछ बटन या कुछ डिजाइन में चेंज करके कुछ कोड एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एज अ प्रोजेक्ट जिसको सेव किए उसको ओपन करके हम लोग वहाँ पे उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फाइल का तरह क्यों सेव किए इसको, क्योंकि इसको हम लोग एप्लीकेशन का तरह रन कर सकते हैं। तो ऐसे विजुअल बेसिक 6.0 में हम लोग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके इस तरह का एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे इसको सेव किए वहीं पे जाके एक बार देख लेंगे कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। तो हम लोग इसको म्यूजिक पे सेव किए थे, तो म्यूजिक पे जाएंगे, म्यूजिक पे जाने के बाद जी नाम से सेव किए, तो इसी को रन करेंगे। तो हम लोग का ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का तरह रन कर रहा है। 12 टाइप लिए, शो बटन पे क्लिक किए, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल लिस्ट बॉक्स में शो कर रहा है, क्लियर। देन एग्जिट बटन पे क्लिक किए, एग्जिट। और फॉर्म में क्लिक करेंगे तो हम लोग का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। यही से रन करेंगे तो हम लोग का ये फॉर्म आ गया, इसका कोड का जगह भी हम लोग का आ गया, तो यही से हम लोग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।